हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जहां हम देते हैं पुराने सिक्के और नोट्स के बारे में सच्ची जानकारी। दोस्तों, आज हम आपको अपने 50 पैसे के कॉम्युनिटिव कॉइन के बारे में बताएंगे उसकी वैल्यू क्या होती है और कौन सी कंडीशन में वो ज्यादा वैल्यू पे सेल होता है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, आपको स्क्रीन पे एक कॉइन दिखाई दे रहा है, 50 पैसे का एक कॉम्युनिटिव कॉइन है। इस कॉइन का जो थीम था वो 25th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस था। अब इस कॉइन की अगर हम बात करते हैं तो इस कॉइन की जो मिंटेज जो थी 1972 में हुई थी। कॉइन का जो मेटल होता है कॉपर निकल होता है। कॉइन का वेट अप्रॉक्स 5 ग्राम तक होता है। कॉइन के साइज जो कॉइन के डायमीटर की बात की जाए तो 24 mm तक होता है। दोस्तों, इस कॉइन की इमेजेस हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और बहुत सारे व्यूअर्स ने सेंड की है हमारी जीमेल आईडी पे और इंस्टाग्राम आईडी पे। कहा है कि सर, हमें इसे सेल करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमने सोचा सबको रिप्लाई करने से बढ़िया है कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए, जिससे कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर जितने भी व्यूअर्स हैं उनको इस चीज के इस कॉइन की इन्फॉर्मेशन और वैल्यू पता चल जाए। दोस्तों, इस कॉइन की अगर बात करते तो इस कॉइन की जो मिंटेज हुई थी 2 मिनट से हुई थी, बॉम्बे मिंट, कोलकाता मिंट। अगर आप इस कॉइन के ओवर साइड में देखेंगे तो आपको कॉइन की डिनोमिनेशन और अशोका लाइन कैपिटल और इंडिया और भारत लिखा मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर बैक साइड यानी रिवर्स साइड में आएंगे तो आपको 25th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस और आपको एक पोर्ट्रेट दिखेगी जिसमें दो लोग खड़े हैं, उनके हाथ में इंडियन फ्लैग है। दोस्तों, अब इस कॉइन के वैल्यू की बात की जाए तो दोस्तों सबसे मेन चीज़ होती है किसी पुराने सिक्के नोट की कि उसकी वैल्यू क्या होती है और कहाँ पे सेल होता है। दोस्तों, इसकी वैल्यू की अगर बात करते हैं बॉम्बे और कोलकाता में दोनों कॉइन जो थे कॉमन थे, ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होते हैं। अगर आप एक कलेक्टर हैं तो आपके लिए इसकी वैल्यू कम से कम 7 से 8 रुपये पर पीस तक है। अगर यूएनसी कंडीशन है तो थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, बस अगर यूज कंडीशन है तो 7 से 8 रुपये पर पीस में ये आपको किसी भी डीलर के पास मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप लेकिन हाँ अगर आप डीलर से खरीदने जाते हैं तो कम से कम आपको 20 से 25 पीस खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि 7 रुपये के एक कॉइन देगा वो उसमें उसका कोई प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने प्रॉफिट के लिए कॉइन सेल करते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपको लेना है तो आप किसी भी डीलर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या अगर आपको आपके अपने कलेक्शन में ये कॉइन नहीं है तो आप उसके लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम ये कॉइन आपको जरूर दिला देंगे। लेकिन अगर आपको सेल करना है तो कम से कम आपके पास 200-250 पीस होने चाहिए कॉइन, उसके बाद ही कोई लेगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसी रेयर वैरायटी तो आती नहीं थी। इसलिए दोस्तों, कम से कम 200-250 पीस का होगा तभी आपसे कोई लेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं अगर आपके पास कोई और पुराने सिक्के हैं नोट्स हैं जिनकी वैल्यू आपको पता करनी है तो इसलिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, होता क्या कि आप लोग हमें मेल करते हैं, इंस्टाग्राम मेल करते हैं, बहुत सारे मेल्स हमारे पास रोज आ जाते हैं। हम रोज कम से कम 30 से 40 मेल्स का रिप्लाई करते हैं, अप्रॉक्स 100 to 150 मेल्स आते हैं पर डे हमारे पास। दोस्तों, इतना पॉसिबल नहीं होता कि हम सबका मेल्स रिप्लाई कर पाए, इसलिए कुछ मेल्स छूट जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपके मेल्स छूट जाते तो आप इंस्टाग्राम पे भी इमेजेस सेंड कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए, हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, नीचे कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, और सब्सक्राइब कर दें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी वीडियोस लाते हैं पुराने सिक्के और नोट्स के बारे में जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देते हैं, और दबा दीजिए बेल बटन की जिससे हमारी वीडियोज आने वाली सबसे पहले देख सकें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।